मान सम्मान के योग्य पितृतुल्य बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आपने जो मेरे को हरियाणा की आन बान शान पगड़ी बना करके जो सम्मान दिया है, इसको कभी भूलूंगा नहीं और इस पगड़ी को कभी झुकने भी नहीं दूंगा। राजनीतिक तौर पर नहीं है, पारिवारिक तौर पर भेजा है, क्योंकि आपके साथ जो हमारा रिश्ता है वो आज का नहीं, जननायक चौधरी देवीलाल जी का शुरू किया हुआ है, और उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, अपने भाइयों नौजवान साथियों को मिलने आया हूँ। इससे पहले गोपी चंद जी ने आपको विस्तार में सारी बातें बताई। पहले जब चुनाव साहब को 10 साल की सजा दी गई, ये कहा गया था कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी छोड़ी, अब पीछे एक षड्यंत्र रच करके आपको कमजोर करने की कोशिश करी और कहा गया कि ये पार्टी मंच के माध्यम से हम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पार्टी नहीं, ये एक परिवार है। इसलिए चंद्रनाथ चौधरी देवीलाल जी ने बड़े बुजुर्गों जो यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ मिलकर के रखी थी, और इसको गिराना इसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं, बहुत प्रयास पहले भी करे जा चुके हैं, लेकिन ये परिवार टूटने वाला परिवार है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमें हवाओं से डर नहीं लगता, तूफानों से भी डरने की आदत है, हमें हवाओं से डर नहीं लगता, तूफानों से भी डरने की आदत है, कि लहरों से क्या डराते हो, हमें समंदर में भी तैरने की आदत है। आज जब मैं आने लगा सवेरे तो मुझे दादाजी ने खास तौर पे कहा था कि जब तू वहां पर पहुंचेगा तेरे को मेरे पुराने कुछ साथी मिलेंगे, तू उनको जाकर के उनका आशीर्वाद नहीं हो, अरे वो उनका नहीं वो आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद होगा। आज मेरे यहाँ पे दादा पंडित अटल सिंह जी बैठे हैं, आज हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आप लोगों का स्पष्ट तौर पर चौटाला साहब ने नाम लेकर कहा था कि वो तेरे को जब जाएगा वहां पर चौके बैठे मिलेंगे तो उसे जरूर मिल करके आइए, तो आपके पास होकर के जाऊंगा, आपसे मिल करके जाऊंगा। रामकृष्ण जी भी बैठे हैं एक सर्कल साहब, आज कुछ ही बातें चौटाला साहब ने जो कही थी मुझे कि भाई मेरी तरफ से ये वायदे भी दूर करके आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, सबसे पहले तो इतनी निंदनीय घटना जो आज हुई है हमारे देश के अंदर, हमें प्रधानमंत्री कहता था कि एक के बदले 10 से लेकर के आऊंगा, आज तो प्रधानमंत्री महोदय आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, इन आतंकवादियों ने खुद आपको ये मौका आकर के दे दिया, तो आज क्यों पीछे हट रहे हो, आज आप आ जाकर के एक के बदले 10 क्यों नहीं आते। हमारे देश के आज सिपाही, चाहे वो BSF है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सबके अंदर इतना रोष भी है, सब तैयार रहते हैं, अगर जरूरत है तो सरकार की तरफ से इजाजत की जरूरत है, वो एक के बदले 10 नहीं, वो एक के बदले 100 भी जा सकते हैं, लेकिन आप इजाजत तो दें, जब तो चुनाव आया आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, नौजवानों को आपने नौकरियों की बातें कही थी, आज कहां है वो नौकरियां। मेरे चुनाव साहब ने खास तौर पर बात कहते हुए है कि जो भी योग्य बच्चा आपकी आने वाली सरकार आपकी खुद की होगी, जो भी योग्य बच्चा होगा उसकी योग्यता के हिसाब से उसको उस पद पर पहुंचाने का काम हम करेंगे। आज तो 3000 की बजे हमारा दादा 10 साल की लेकर आ रहा है, आप चिंता ना करो, आपके लिए तो कुछ परिवार को फांसी भी घूमना पड़ जाए तो भी तैयार करें। जहां पर चौधरी देवीलाल जी बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि किस चीज की सबसे ज्यादा बुजुर्गों को जरूरत है, और हम भी अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं।
है उनका मान सम्मान हमें कैसे रखना है। जहाँ उन्होंने 100 रुपए आपकी पेंशन खरीदना शुरू करी थी, हम 100 रुपए दिन करके आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे और आने वाले समय में उसको और आगे जाने का काम करेंगे। जहाँ सुरक्षा की बात आती है, आज महिलाओं की बात आती है, इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि यहाँ पर ऐसे प्रबंध कर देंगे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों से वायदा करता हूँ आपकी सरकार बनने पर आपको भी आज एक बार पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा साथी है जो मुझे बता सकता है कि जब सरकार आपको आम लाइसेंस देती है, हथियार का लाइसेंस देती है, तो वो देती क्यों है? किसी ने मेरा है उसका मतलब, उसका असली मतलब ये है कि सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले रही है, सरकार इस बात को मान रही है कि वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। हम आपके लिए ऐसे प्रबंध कर देंगे कि किसी ने लाइसेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एक के भी जनजाति रहेंगे। मैं तो आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। अरे खास तौर पर चौटाला साहब ने ये बात कही है कि हाशिया करके सबसे मुलाकात भी करूंगा, रैली में शिरकत भी करूंगा, सबसे मिलूंगा, सबको बोलना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अरे जहां पर चाहिए 3000 की बात करी थी, नौजवान साथियों अपनी जिम्मेदारी बनती है। आज इतने बुजुर्गों को ये बात पता लगी कि चौटाला साहब वहां आ रहे हैं, आपके बात मान करके चलो 3500 तो एक ही करके ये आवेंगे तो अपना भी फर्ज बना है 5000 तो कम से कम चला। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि किसी साथी को कि वो साधन सुनने की दिक्कत होगा तो मोहित वर्गीय मेरे पर के बैठे बैठे हैं, चिंता ना करो, वो हमारा काम है। आपको आने की तैयारी करो, चौटाला साहब से मिलने की तैयारी करो। 1 तारीख को हांसी में चौटाला साहब आपको बड़ा तोहफा भी देंगे और किस तरह आने वाले 2019 की सरकार आपकी अपनी सरकार होगी, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हम दोनों भाई करण अर्जुन, चाहे हमारे को जितना परिणाम करना पड़े, हमारे को चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, कोई संघर्ष करना पड़े, सदैव आपके लिए संघर्ष करेंगे। आपके कर्जदार हैं हम। अरे आने वाली 2019 की सरकार बना करके चौटाला साहब की झोली में डालने का काम करेंगे, आपकी सरकार आपको बना करके। मैं बधाई दूंगा नौजवान साथियों को जिनको पार्टी ने नई जिम्मेवारी लगाई है, और साथियों कभी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कभी भी याद कर लेना, इसने तो मेरा है, कभी फोन कर ले, मैं फोन भी छोड़ता ही नहीं दूंगा। तो आप लोग सभी आए, आपने जो आशीर्वाद प्रेम प्यार दिया, इस रिश्ते को यूं ही बरकरार रखूंगा, इसको और मजबूत करने के लिए लगातार आपके बीच में आता रहूंगा, आपका आशीर्वाद देता रहूंगा, अपने भाइयों बहनों से मिलता रहूंगा। और खिलाड़ियों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ओलंपिक संघ का उपप्रधान मेरे को बनाया गया, जो इस सरकार ने खिलाड़ियों के मान सम्मान में कमी करी है। पहले चौटाला साहब ने जब आपकी सरकार की खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, ऐसी योजना बनाने की आने वाली सरकार में कि खिलाड़ियों को कभी किसी आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ेगी। आप सभी आए, उसके लिए मैं पुनः आपका एक बार आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा कि 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हांसी पहुंचे, आपके चौटाला साहब की बात भी सुने और वो आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी भी लेकर के जाएंगे, कोई बड़ी राजनीति का ऐलान भी करके जाएंगे। आपने जो आप यहाँ पे आशीर्वाद दिया उसके लिए पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।